नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज सुबह से जो घटनाक्रम देखा अल्मोड़ा परिसर का, उसको देखकर बहुत गहराई से मैंने ये महसूस किया कि छात्र राजनीति और हमारे छात्र नेता क्यों गर्त में जाते जा रहे हैं, हमारी छात्र राजनीति क्यों इतनी कमजोर होती जा रही है। साथियों, आज सुबह का घटनाक्रम मैंने देखा, वीडियोस देखे, सारी चीजें देखी, सारा छात्र समुदाय, सारे छात्र नेता आदरणीय, महान, अपने आप को स्वयं भगवान बताने वाले कुलपति जी से मिलने गए, बड़े बड़े संगठनों के लोग, सभी लोग। लेकिन वहां मैंने देखा कि उन्हें आज बहला फुसला दिया गया, यूं कहें कि टरका दिया गया, और उसके बाद वो लोग बिल्कुल हंसते खेलते बाहर आ गए। साथियों, सबको मेरी कार्यशैली पसंद नहीं आती, आशीष जोशी गलत बोलता है, आशीष जोशी कार्यशैली गलत है, कार्यपद्धति गलत है, लेकिन आज अंदर ही अंदर वो लोग सोच रहे होंगे, आज जब उनको बेइज्जत करना ही मैं मानूंगा इसे, सारे छात्र नेताओं के तौर, कुलपति जी ने जो बिल्कुल मैंने वीडियो शो किए, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ही विश्वविद्यालय भवन में, उनके ही कार्यालय में विद्यार्थियों को एंट्री नहीं करने देगी, फिर यहां से सारी चीजें संभाली गई और उसके बाद वहां उन्हें एंट्री करने देगी। उसके बाद वही कुलपति, उसको देख करके मुझे वो बनिए वाली बात याद आती है, एक बनिए की कहानी सुनी थी कि लोग बनिए के पास दुकान में जाते हैं दाल रोटी लेने के लिए, लेकिन बनिया और सारे सामान उन्हें देता है बट दाल रोटी उन्हें नहीं देता। लेकिन आज के हालात को देखते हुए मुझे वही सारी चीजें दोबारा से याद आ गई, मतलब कुछ नहीं, उन्हें इतनी इतनी बुरी तरीके से जो जो लोग वहां थे इतना बेवकूफ बनाया गया, कुलपति जी द्वारा ना कोई ठोस आश्वासन दिया गया, ना कोई बात की गई। उसके बाद वो गैर जिम्मेदार कुलपति उनसे ये कहता है कि आपको जो करना है कर लो। आज पहली बार इतने दिनों के अंदर में मुझे 28 तारीख को भाई दीपक लोनी के साथ वह घटना घटी थी अल्मोड़ा में, वह ऐतिहासिक घटना घटी थी, छात्र राजनीति में वह ऐतिहासिक घटना घटी थी। उसके बाद उस दिन से मैं लगातार उसके साथ हूं, आज भी मैं, आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख को उसी जहां पर दीपक लोनी भाई एडमिट है उसी कमरे में बैठा हुआ, पहली बार मुझे और उसे दुख हो रहा है कि आज हम कैंपस में क्यों नहीं थे, इतने बड़े आंदोलन को जो इतने जबरदस्त तरीके से चल रहा था, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, बड़े बड़े संगठन में इनसे कहना चाहता हूं जो कहते थे नहीं ऐसा, बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे देने वाले लोग, आज इनकी गिग्गी क्यों बद गई वहां पर? आज तो कुलपति जी के सामने कोई हाथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, कोई कुछ करता हुआ दिख रहा है, क्या हो गया आपके जोश को? ऐसे करोगे आप छात्र राजनीति? आप अपना आत्मसम्मान तो आप बचा नहीं पा रहे हो, बात करते हो विद्यार्थी तो की बंद कर दो ये कहना, छात्रित सर्वोपरि, राष्ट्रित सर्वोपरि, जो जो भी बात है आप कहते हो। आज मुझे इतनी शर्म आ रही है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि आज मैं मतलब यहां पहली बार मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं यहां क्यों हूं, लेकिन मजबूर हूं, मैं नहीं आ पा रहा हूं, कुछ एक दिन और लगेंगे, लेकिन मैं उस कुलपति से भी कह देना चाहता हूं, सतपाल बिज जी, आप अपने आप को भगवान मान के तो बैठे हो, आपका जवाब तो हम दे ही देंगे, आप उन्हें तो पागल बना लोगे, हमें पागल नहीं बना पाओगे। आपके सारे काले चिट्ठे लेके मैं उस कैंपस में जिस दिन पहुंचूंगा, जो आज आपने हमारे छात्र समुदाय के साथ, जो उन छात्र नेताओं के साथ, जितने पोस्ट में लोग चुनाव लड़ रहे थे सबके साथ आपने जो चीजें करी हैं, उसका पूरा जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आशीष जोशी के बोलने का तरीका गलत है, आशीष जोशी की कार्यशैली गलत है, ये तो प्रशासन से ऐसे बात करता है। साथियों, मेरा कभी दिल नहीं करता, कभी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं रहूं, मतलब मैं बहुत शिष्टाचार व्यक्ति रहूं, शिष्टाचारी व्यक्ति रहूं, और ये मैंने अपने परिवार से सीखा, लेकिन मेरी ये जुबान जो है, जो मैं प्रशासन के साथ यूज करता हूं, वह इन्हीं प्रशासन के रवैये की देन है, इनके अड़ियल रवैये की देन है, और वही अड़ियल रवैया इनसे काम करवाता है। जो भी लोग आज तो आपको टारगेट करने के लिए मैं भी नहीं मिल रहा हूं, आज क्या हुआ, आज कहां गए सारे छात्र नेता, आज कहां गए संगठन, जितने जितने आज सारे जितने पदों में चुनाव लड़ रहे सभी लोग वहां पर थे, क्या हुआ आप लोगों का? बातें तो बड़ी बड़ी चल रही थी कि ऐसा करेंगे, वैसे आज क्या हुआ, आपने इतने बड़े आंदोलन को कमजोर कर दिया है। केवल पहले तो वो कहते थे राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई, आपने उसे ही सोचकर, उन सारी चीजों को सोचकर आपने आंदोलन खत्म कर दिया। एक लड़का जो कि केवल आपके हितों के लिए, छात्र हितों के लिए, छात्र राजनीति को बचाने के लिए, जो अपनी जान देने तक से पीछे नहीं हटा, जो कि जिसको फिक्र नहीं रही कि जान जाएगी या आप जिंदा रहेंगे, वो आपने उसके उसको कमजोर कर दिया, उसे भी हटाओ। वह अब किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं लड़ा था, नहीं तो और किसी ने क्यों नहीं किया? वह व्यक्तिगत हित के लिए कभी नहीं लड़ा था, वह चाहता था कि छात्र राजनीति जिंदा रहे, वह चाहता है कि छात्र राजनीति जिंदा रहे, उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया, आपने ये सोच लिया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और आपने सारी चीजें खत्म कर दी, बहुत गलत है। आज मैं बहुत अच्छे से सोच पा रहा हूं इस बात को कि क्यों आखिर मतलब छात्र राजनीति इतनी ज्यादा गर्त में जा रही है। साथियों, मैंने बहुत ही लाचार, मजबूर और कमजोर छात्र नेताओं को आज देखा, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे आज आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूं, और मतलब मुझे चिंता से ज्यादा मतलब दुख हो रहा है कि आखिर छात्र राजनीति गर्त में इसीलिए जा रही है। आज की नरकों तो देखो, पुलिस वालों से नहीं लड़ पा रहे हो आप, लड़ना यानी कि हाथापाई, धक्का मुक्की, ये चीजें नहीं, आप उनसे करो ना, वो कैसे आपके कैंपस में घुस जा रहे, वो कुलपति उसे क्यों गनर दिया, वो आप क्यों अपने गनर की पेमेंट वो कर रहे, जब उसे पुलिस ही चाहिए हर जगह पे। तो इस नाकाम कुलपति को, इस नाकारे कुलपति को मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आप बना, आपसे तो बात मैं कर ही लूंगा। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार गालियां भले ही वो मुझे जितनी देते हैं, जितनी भी बातें कि आशीष का रवैया ऐसे, बोलता है ऐसे, जो भी चीजें ऐसे करता है,
लेकिन आज आप बहुत सारे लोग मनी में बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मनी मन कह जरूर रहे होंगे कि ये सही बात करता है, ये सही तरीके से बोलता है, इन लोगों को ऐसी ही जुबान समझ में आती है, और ये मेरे कुछ वो नहीं है, ये मैं सारे अपने बड़े भाइयों से सीखा हूं। हर एक संगठन के अपने जितने हमारे दिग्गज छात्र नेता रहे उनसे हमें चीज सीखे, तभी वो लोग डरते भी थे उनसे। हो सकता है आपको मेरी जुबान पसंद ना आए, हो सकता है आपको मेरी कार्यपद्धति कार्यशैली पसंद ना आए, लेकिन ऐसे ही ये लोग मानते हैं, ये हमारी जुबान, ये उन्हीं के अड़ियल रवैये की देन है, ये प्रशासन के लोगों की। लेकिन आज मतलब मुझे बहुत दुख होता है, आपने इतने बड़े आंदोलन को आप लगभग खत्म करने की दिशा में लेके जा रहे हो, अब क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, आखिर कहां चले गए वो सारी? जो लोग मुझ पर ब्लेम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं एक आईना हूं, एक सीधा स्पष्ट आईना। आप जिस तरफ से देखेंगे, जिस तरह से देखेंगे, आपको हम वैसे दिखाई देंगे। आप हमसे प्यार से बात करोगे, हम आपसे झुक के आपको नमस्कार करेंगे, लेकिन आप हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करोगे, लोकतांत्रिक अधिकारों को हमने दमन करेंगे, तो आपको हम कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। आज मैं देख रहा था कुलपति इतने बदतमीजी के तरीके से बात कर रहा था। अरे हो कौन आप सरकार के वही तो हो, सरकार के चाटुकारी तो हो, क्या हो आपको? करोड़ों के करोड़ों रुपए दे के ही तो बने हो। उसके बाद आप एक वीडियो में और देख रहा था कि काम तो मैंने ही करवाया, क्या काम आपने कराया सतपाल सिंह बिजली, जरा बताइए तो हमें, आओ सामने आओ ना, किसी दिन करते हैं डिबेट, करते हैं आपसे सारी वार्ता, क्या काम आपने कराया, कौन सा अपनी जेब से आपने काम करवा दिया, बात कर रहा हूं। एक एक काला चिट्ठा आपका खोलूंगा, ध्यान रखना, सारा पूरा गड्डी बना के लाऊंगा परसों, जो जो भ्रष्टाचार, जो जो चीजें आपने यहां किए हुए हैं, अगर मैं वहां होता तो मैं दिल से आपसे कह रहा हूं कि हम आपको जो चीजें कही थी वैसे ही आपको इस कैंपस से बाहर भेज दें। लेकिन तुम जैसे डरपोक आदमी ने अपने आने से पहले वहां सैकड़ों पुलिस वाले, वो कैंपस था, वो छावनी बना के रखा हुआ था, उसके बाद अब हमारे छात्र नेताओं को वहां पर आने से रोक रहे। गलती है उनकी पूरी है कि वो अपने लड़ाई, हक की लड़ाई नहीं कर पा रहे। उन छात्र नेताओं को भी अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए। आप अपने आत्मसम्मान की तो आप रक्षा कर नहीं पा रहे हो, क्यों कह रहे हो छात्रित सर्वोपरि? पहले अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो, छात्रितों की आप बाद में करोगे। और सारे छात्र छात्राओं को भी सोचनी चाहिए कि छात्र राजनीति आखिर इसी तरीके से आज खत्म हो रही है। मतलब आज का घटनाक्रम देख के आज बहुत सारे लोगों को मैं सही भी लग रहा हूंगा कि ठीक बोलता है, ये सब करता है, लेकिन आज बोल नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सतपाल सिंह बिष्ट जी से बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि चिंता मत कीजिए गुरु जी, मजबूर हूं बस, मैं थोड़ा सा मजबूर, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मतलब जो जिसने छात्र राजनीति को जिंदा रखने के लिए अपनी जान की तक परवाह नहीं करी, मैं दिल से कहना चाहता हूं उसे नहीं छोड़ सकता, नहीं तो आज भी मैं आने की सोच रहा था, लेकिन दिल ने गवाही नहीं दी इसलिए नहीं आया। सतपाल सिंह बिष्ट जी, स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आएंगे उस दिन वो करेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको आपका लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जो भी आपको दिखता है अल्मोड़ा विरोधी, जो आपकी सोच है, जो आपको केवल नैनीताल दिखता है, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे उसी दिन। लेकिन ये सबके सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है, जो आज हुआ वह छात्र राजनीति को गर्त में ले जाने वाला एक और कदम है। ये सारी चीजें हम सभी लोगों ने साथियों सोचनी होंगी। अगर छात्र नेता अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे वो छात्रितों की? लेकिन सोचना होगा साथियों, एक बहुत मतलब आज के घटनाक्रम से बहुत ज्यादा निराश हूं, और साथ ही बहुत ज्यादा चिंतित भी और आहत भी हूं। मजबूर से दिख रहे हैं वे छात्र नेता, मतलब कुछ नहीं, उनको कोई कुछ भी समझा दे रहा, पुलिस वाले उनको पीछे धकेल दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब क्या क्या चल रहा है भैया? क्यों कह रहे हो छात्र नेता, छोड़ दो छात्र राजनीति, मत करो ऐसा, लेकिन ऐसे बेइज्जती मत करवाओ यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बात ही नहीं सुन रहा हूं आपकी, कोई आपसे कुछ कहना ही नहीं चाह रहा, बैठे हो फिर भी वो कह रहा जो करना है कर लो, मैं चुनाव नहीं करा सकता, मैंने तो इतने काम, अरे क्या काम करा दिया आपने? आज बहुत दुख है कि मैं वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन सतपाल बिष्ट जी, आपको करारा जवाब मिलेगा, आपसे बात तो हो ही जाएगी, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको यहीं रहना है, अभी आपके पूरे 3 साल यही है, 3 साल 5 साल पूरे यही है आपके। आपको बताया जाएगा कि अल्मोड़ा क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा को बुद्धिजीवियों का शहर क्यों कहते हैं, आपको समझ आएगा, आपको समझ आने भी लगा होगा। लेकिन परसों से जब काले कारनामे आपके सबके सामने आएंगे, उसके बाद आपको देखेगा कि आखिर चीजें कैसे चलती हैं। और जो बात आप कह रहे थे ना कि सरकार ये सरकार वो सरकार ऐसा करवाएगी, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस बॉडी, विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, उसके खुद के अधिकार है, कहां से आ गया उसमें धन सिंह रावत बीच में, कहां से आ गया उसमें सरकार बीच में? कोई बीच में नहीं आया, बीच में आए तो केवल आपके व्यक्तिगत स्वार्थ बीच में आए। आप लोग नई नस्ल से डर रहे हो, आप नई पौध से डर रहे हो, आप लोग नए विचारों से डर रहे हो, इसलिए आप लोग छात्र संघ के चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा ऐसी एक दिन की बात हुई और सारा आंदोलन समाप्त? गलत फहमी में जी रहे हो, समझ जाना कि नहीं, ये गलत जगह आप आ गए हो गुरु जी। आपको लंदन पेरिस ही होना ठीक था। जिस तरीके जो आज आपने छात्र समुदाय का माहौल उड़ाया है, जो आपने उनका मजाक उड़ाया है, इसका आपको करारा जवाब और ऐसा जवाब दिया जाएगा ना गुरु जी, आप कैंपस आना छोड़ दोगे। आपको पता था, मैं ये भी जानता हूं कि आपको पता था कि हम वहां पर आज नहीं है, हम यहाँ हल्द्वानी हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप इसलिए आप वहां पर आए, उन्हें आपको पता थी सारी चीजें। गुरु जी मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको पहले दिन से जानता हूं, और स्पष्ट शब्दों में आप करो ना मुकदमे। मैं सारे छात्र नेताओं से भी एक बात कहना चाहता हूं, आप क्यों डर रहे हो आप FIR मुकदमे इन सारी चीजों से? ये चीजें अगर सरदार भगत सिंह ने सोची होती, राजगुरु ने सोची होती, सुखदेव ने सोची होती, हमारे महान क्रांतिकारियों ने सोची होती, तो शायद हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ होता। आप लोग डर रहे हो कि पुलिस से क्या डरना है, उनसे क्या कोई चोरी करी है क्या, हमने क्या मांग रहे हैं? अपने अधिकार मांग रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांगा, ना राजशाही मांग रहे हैं, ना सत्ता मांग रहे हैं, केवल अपने अधिकार मांग रहे हैं। क्यों डरना है इनसे, है कौन ये?
किसी से नहीं डरता, मैं तो किसी से नहीं डरता यार, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ कि आज मुझे पहली बार मतलब गुस्सा आया कि मतलब मैं मजबूर था ना, मैं नहीं आ सकता था, लेकिन आएंगे। दीपक वर्मा दिन भर इसी बात पर रही कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। लेकिन सारे छात्र नेताओं से कहना चाहता हूं, आत्मचिंतन करने का यह समय है, आत्ममंथन करने का यह समय है, और इसके जो इसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा, और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, ये बात आप ध्यान रख लेना। लेकिन अपने आप को छात्र नेता कहने से पहले बहुत बार सोचो, 10 बार सोच चुके हो तो 20 बार सोचो, 20 बार सोच चुके हो तो 100 बार और सोचो, गलत कर रहे हो आप, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद से नहीं लड़ पा रहे हो। ये सारी चीजें आप लोगों ने सोचनी होंगी साथियों। और जो लोग मेरे तरीके को गलत कहते थे, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूं। हमारा ये रवैया ये प्रशासन की ही देन है, इन्हीं लोगों ने हमें ऐसा बनाया, वरना मैं बहुत शिष्टाचारी व्यक्ति हूं, मुझे किसी से कौन चाहता अपनी जुबान खराब करना, कोई नहीं चाहता, इन्हीं लोगों के कारण सारी चीजें। लेकिन जो लड़ाई है, जो ये सोच रहे हैं सतपाल सिंह बिष्ट जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, गुरु जी ये लड़ाई नहीं रुकेगी, हूं मैं जरूर यहां एक आध दिन में, और समय लगेगा भाई को भी, समय ठीक होने में थोड़ा समय है, लेकिन तख्त बदल देंगे और ताज बदल देंगे, बदला भी है और इस बार भी बदल देंगे। लेकिन सारे छात्र नेताओं से विनम्र आग्रह एक बार और करना चाहता हूं कि अपने आप का आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो, आत्म आकलन करो। कोई भी आपको बेवकूफ बना जा रहा है, कोई भी आपको अपनी बातों में बहला फुसला दे रहा है, तो आखिर आप क्यों क्यों कह रहे हो नेता, सारी चीजें सोचने वाले। लेकिन आज का घटनाक्रम ने बहुत ज्यादा चिंतित किया है, दिन से ही सोच रहा था सारी बात, और दिन से बहुत सारे कॉल्स भी आए इसी बात को लेकर के। साथियों से कहना चाहता हूं, कृपया इस बात को सोचो, इस पर गंभीर रूप से चिंतन मनन करो और आत्म आकलन करो कि आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम है, हम लोग एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे, केवल यही कि सारी जगहों की मैं बात करना चाह रहा हूं, कहीं कोई ऐसा वो हो ही नहीं रहा। वो तो दीपक लोनी ने एक ऐसा स्टेप उठा दिया कि जो अनएक्सपेक्टेड था, ऐतिहासिक कदम था, लेकिन आप बहुत लोगों को ऐसा लगने लग गया कि दीपक लोनी ज्यादा चमक गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसी तुच्छ राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति हम नहीं करते, ये फेमस होने वाली राजनीति हम नहीं करते। तो ये चीजें मुझे लगता है कि सभी ने सोचा केवल दीपक लोनी आगे बढ़े करके आप लोगों ने आंदोलन गिरा दिया, ये कोई बात होती, पहले तक तो आप सारी बातें करते थे, सारी चीजें कि बिल्कुल हम आंदोलन ऐसा करेंगे, कुलपति आएगा तो हम ये करेंगे। आज कहां गया, आज तो आ गया ना कुलपति, क्या किया आपने, 2 घंटे का भी वहां पर उन्हें चला, सारी चीजें पूरा माहौल मतलब बिगाड़ कर दिया। ये सारी चीजें सोचने लिए ऐसे नहीं होगा छात्र संघ का चुनाव। और जो लोग हमसे कहते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की इनकी लड़ाई है, उनसे भी कहना चाहता हूं, अध्यक्ष हमारा ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही चुनाव से, नहीं भी होंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की है, आने वाली नस्लों की है, इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इन बातों को सारे लोग गहराई से सोचो, और सारा छात्र समुदाय भी इस बात को सारी गहराई से सोचे, कहां है मतलब क्यों क्यों कहते हैं लोग अपने को नेता, अपना आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे, बात करते हैं आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने की, आपके हितों की। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है,